हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज की हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि चैनल के ऊपर बनाई हुई डिज़ाइन का रिपीट कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि हम चैनल के द्वारा किस हिसाब से उसका डिज़ाइन बना सकते हैं और कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। अब आज हम देखेंगे कि हम इसका रिपीट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसको भी करना बहुत टफ़ काम है। तो चलिए हम पहले करेंगे कैसे। हमने जितनी डिज़ाइन पे हमने ये सेक्शंस तैयार किया, तो हमने शिफ्ट दबा के सारे चैनल को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्शन टूल लेना है और उसे चारों तरफ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से आपको लेना है मैजिक बैंड टूल और अपने सिस्टम कीबोर्ड के बटन को अल्टर दबा के इस पर क्लिक कर देना है, तो इसका एरिया फिक्स सेलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जब एरिया इसका फिक्स सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इसे कंट्रोल टी करके इसे कहीं पर भी मूव करके रख सकते हैं। मूव करके रखने के बाद चाहे तो आप इसका डुप्लीकेट्स भी तैयार कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि मैं यहाँ से अल्टर दबा सॉरी पहले यहाँ से आपको मूव टूल लेना है, फिर आपको यहाँ से अल्टर प्रेस करके यहाँ पर आप इसे रख सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पर रिपीट को सेट कर रहा हूँ 1/1, तो मैं इसके दोबारा सेक्शन को कॉपी करूँगा और उसे सेट करता जाऊँगा। मुझे जब तक इसका रिपीट सही से पूरा एंड ऑफ पॉइंट नहीं बन जाता है, तो हम तब तक मैं इसके कॉपी को सेट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ तक तो ये हमने हद तक बैठा लिया है। अब इसके बाद अगर देखें कि इस पूरे सिलेक्शन को अगेन सेलेक्ट करेंगे, रिमूव टूल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा नीचे की ओर एडजस्ट करेंगे, तो टॉप और बॉटम में थोड़ा सा माइनर रह जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लाइन को बराबर व्यवस्थित करेंगे और ऊपर से इस डिज़ाइन को हल्का सा पेज को मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा कटआउट में चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसे क्रॉप कर लेंगे, तो ये एक इसका सेक्शन बन जाता है। अब आपको करना क्या है कि इसी फ्लावर का ऑफसेट तैयार कर लीजिए कि ये कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित आएगा। तो हम इस वाले फ्लावर को यहाँ से फिलहाल रिमूव कर लेते हैं। एंड रिमूव करने के बाद ये जो हमारा पैटर्न तैयार हुआ था, इसका सिलेक्शन लेंगे और अल्टर दबा के मूव टूल से हम डुप्लीकेट कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इसका डुप्लीकेट हो चुका है। अब इसी डिज़ाइन का हम रोटेशन करके मीन्स कंट्रोल टी करके इसको वर्टिकली रोटेट कर देंगे और इसे एंगल ऑफ साइड में हम सेट कर देंगे। तो देख रहे हैं कि ये हमारा एकदम व्यवस्थित रोटेशन बैठ चुका है, एक अप में है एक डाउन में है, मैंने इसे सेट किया है। बीच का एरिया कुछ ज़्यादा गैप आ रहा है, तो हम इसके लिए एक तरकीब यूज़ कर सकते हैं कि इसमें जो हमारा फ्लावर है, हम सिर्फ फ्लावर का ही सलेक्शन करके हम इसके कुछ रिपीट्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम लैसो टूल से इसके एरिया को सेलेक्ट करेंगे फ्लावर का, उसके बाद मूव टूल का यूज करके अल्टर से हम इस फ्लावर को कटआउट करके निकालें और कंट्रोल टी करके इसे हम कर देंगे छोटा। और छोटा करने के बाद इस फ्लावर को हम अलग अलग पोजीशन में अलग अलग व्यवस्थित रख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बार रख दिया है, तो इसका मूव टूल का उपयोग करके अल्टर दबा के हम और भी पोजीशंस इनकी सेट करेंगे। जहाँ जहाँ पर मुझे ठीक लगेगा हम वहाँ पर इसे सेट आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे सेट करने के बाद आप इसका एक ऑफसेट भी पहले चेक कर लीजिए कि ये ऑफसेट बराबर है कि नहीं। तो फिल्टर में आके अदर में आइए और ऑफसेट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए ये ऑफसेट में ऊपर नीचे माइनर होगा, तो आपको काफ़ी सारा एरिया दिखाई देगा कि हमें और भी कहीं कहीं इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसे कर दीजिए ओके। और फिर से हम लेंगे लैसो टूल। लैसो टूल से फिर से हम इस छोटी सी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और अल्टर दबा के मूव टूल का उपयोग करके हम और भी जगह जगह पर साइज़ को छोटा करके व्यवस्थित रख देंगे कि ये फ्लावर हमने और भी जगह यूज कर लेना है। और चाहो तो इसकी पोजीशन ऑफ डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हो, एंगल भी चेंज कर सकते हो कि ये एक
सही तरीके से सही जगह पे आपको रखा हुआ दिखाई दे। इस तरीके से इस डिज़ाइन का रिपीट बनाने के बाद आप इसे कर दीजिए पैटर्न में कन्वर्ट। तो आप डिफाइन पैटर्न पे आएंगे तो ये डिज़ाइन आपका पैटर्न पैटर्न तैयार हो जाएगा। पैटर्न तैयार हो जाने के बाद चाहे तो आप इसमें आपको जो ऑप्शन मिलता है पैटर्न रिव्यू का, तो आप इस पर क्लिक करके ओके करके देखते हैं कि ये इसे पैटर्न में कन्वर्ट करता है कि नहीं। ये यहाँ पर वर्क नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि ये हमने अल्टर में सॉरी चैनल में बनाया है, जिसकी वजह से ये वर्क नहीं करा। लेकिन आपका ये जो रिपीट पैटर्न है आप देख सकते हैं एकदम व्यवस्थित बन चुका है और आप इस डिज़ाइन को प्रिंट कर सकते हैं बिना किसी भी टेंशन के। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिपीट हमारा पैटर्न वर्क कर रहा है। इसको बंद करेंगे तो ये चला जाएगा और उसको ऑन करेंगे तो रिपीट दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।